3 मई 2022 को पटना के बापू सभागार में अक्षय तृतीया के अवसर पे भगवान परशुराम जी का जयंती मनाया जाएगा और उस दिन बापू सभागार में अलग अलग समाज के भी लोग आएंगे, परशुराम को समझने का प्रयास करेंगे और कुछ अपना राय रखने का प्रयास करेंगे। आशुतोष भैया हैं, आज मेरे पास आए हैं और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे भी आमंत्रित कर रहे हैं और मैं 100% उस दिन वहां पे अवेलेबल रहूंगा और जरूर आऊंगा। और भैया बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में आपके साथ जितने भी लोग हैं उनको भी धन्यवाद जो आप हमारे जैसे लोग को इस काबिल समझते हैं। हम चाहते हैं कि उस दिन आपका 10-20 मिनट का संबोधन भी हो, क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे देश के युवा आपको सुनना चाहते हैं और कार्यक्रम अपनी जगह पर है। जो एक बड़ा बदलाव लेकर आप चले हैं उसमें हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे और युवा हैं आप, हम भी युवा हैं और भरोसा है कि एक दिन हम लोग बिहार की स्थिति को बदल देंगे। बस मतलब बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप लोग जो है आप सभी को कि आप लोग उस दिन हमारे इष्ट भगवान परशुराम जी जो द्रोण कर्ण और भीष्म के गुरु रहे हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानने को सुनने को मिलेगा और युवाओं को भी समझने का अवसर मिलेगा। बस आप सभी से विनती है कि आप सभी आए और एक बार समझने का प्रयास करें और हर एक समाज के युवा और हर एक समाज के नेता, हर एक वर्ग के नेता वहां पे मौजूद रहेंगे।